कैनन कैमरा है। आइए जानते हैं इसके फुल सेटिंग क्या है। जैसे DSLR इसका मॉडल है EOS 600D। इसका आइए बाकी फुल सेटिंग जानते हैं। इसको अब इस यहाँ से ऑन, या ऑन है, ऑन हो गया। यहाँ पे रेड बढ़ जाएगा, आपको फ्लेक्स साउंड देगा आपको। और यहाँ से ये आप खोल सकते हैं, इसका डिस्प्ले है, इसका डिस्प्ले आप खोल सकते हैं अच्छा से, जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। इसको देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे जैसे फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं आप, और ऐसे भी घुमाकर, ऐसे घुमाकर यहाँ पर लाके सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो सेटिंग है, जो कैमरा फ्लैक्स है, कैमरा फ्लैक्स करेंगे तो ओपन हो जाएगा, इसलिए इसका सेटिंग है एक। जैसे कि यहाँ पे पी मोड में लगाना पड़ेगा आपको, जो ये है पी मोड में आपको लगाना पड़ेगा, जो पी है ना यहाँ पे पी, इसका पी मोड में लगाना पड़ेगा, तब जाके आपके ये फ्लैक्स खुल सकता है। देखिए पी में है, इधर से हम लोग खुल गया, तो आपको ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि इससे आप ब्लॉग और यूट्यूब वीडियो बनाने के, बहुत अच्छा है ये कैमरा। आप इसको अच्छा से प्रयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आइए आपको फुल सेटिंग बताते हैं हम, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ये आपको फुल आपको HD में भी वीडियो करेगा, ये बहुत अच्छा करता है, अच्छा क्वालिटी भी आता है इसमें। आपको मैं वीडियो भी करके दिखाऊंगा। आइए आइए सबसे पहले जानते हैं फोटोग्राफी का। जो ये M मोड है, M AV TV, आप इससे फोटोग्राफी करेंगे तो आप पे कैमरा पे कंट्रोल रहेगा, आप जैसे चाहेंगे वैसे खींच सकते हैं। इसके अलावा ये पी जो है, पी पे करेंगे तो आपके पास कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है। ए प्लस है, इसमें भी नहीं रहेगा, ये कैमरा अपने आप सेटिंग करेगा, ये मूव करेगा करके, और लोकेशन डायरेक्शन मिलाकर अपने आप खींचेगा, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा बेहतर होता है ये M AV TV वाला, सबसे बेहतर यही रहता है, इसी मोड पे खींचा जाए, ठीक है। जैसे आप जहाँ पे सी है देख सकते हैं, यहाँ पे सेट पर टीवी है, यहाँ पर भी टीवी है, ठीक है। आप इसको AV पर करेंगे तो AV पर आ जाएगा, टीवी पर करेंगे M पर करेंगे तो M पर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेटर क्या होता है, आप 9999 फोटो खींच सकते हैं इससे, आपको 9999 फोटो खींच सकते हैं। सबसे अच्छा शॉट के लिए यही है, अच्छा है, बेटर है, ठीक है। कोई भी चीज, ये M सेटिंग है तो इस पर इन्फो दबेंगे ना तो ये आएगा, आपको सेटिंग आएगा इसका, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आप, पहले आइए, ये पहले इसको मिलाते हैं हम लोग। आपका ये स्क्रीन जो बंद हो जाएगा तो इन्फो आप दबेंगे तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, ये आपको बटन जो आपका जो वन बाई 160 दिख रहा है, ये क्वालिटी है, वो फोटो का क्वालिटी है। जितना आप कम में रखेंगे इधर से, जो ये जो घुमाने वाला है ये सो, इसको जितना घुमाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। 200 पे गया, 320 गया, 400 गया, 500, 600, 1000 तक। इसको 50 पे रखेंगे सबसे कम पे, तो आपको अच्छा क्वालिटी और अच्छा आएगा, ठीक है। तो इसको 50 पे रख के हम लोग इसको सेटिंग मिलाते हैं, देखते हैं, ठीक है। जो ये F-Hotli है, ये साइड वाला, ये तो आपको यहाँ से दबाएंगे तो इसमें चला जाएगा, ठीक है। आपको इसको भी जहाँ से हम लोग साइड वाला किए थे 50 वाला मोड पे, इसे जितने घुमाएंगे उतना ये बढ़ता जाएगा, ठीक है।
ये दबे रहना पड़ेगा, ठीक है, दाब को रखना पड़ेगा इसको। आज जितना घुमाएंगे ये, सॉरी, इसको जितना घुमाएंगे उतना बढ़ता रहेगा, ठीक है। मगर आप जितना कम में रखेंगे ना, उतना जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा, 400 में, 4 पॉइंट में रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वालिटी आपको बढ़िया आता है, इससे क्वालिटी आपको बढ़िया आता है, ठीक है। जैसे कि आप इशू मोड है, तो आप समझ लीजिए इशू मोड, इसको दबा कर रखना है, ठीक है, इसको दबा कर रखना है, इसको घुमाना है, तो देखिएगा जितना बचाइए उतना आप रख सकते हैं। मैंने सबसे बेटर ऑटो मोड होता है। ऑटो में क्या रहेगा, कैमरा कैमरा को जितना सेटिंग चाहिए वो खुद दे देगा आपको, जितना चाहिए आपको खुद दे देगा। देखिए ऑटोमेटिक आ गया है ऑटो पर, ठीक है। आइए, जैसे अब आते हैं ऑटो फोकस पे, ठीक है, तो यहाँ पे है ना, इस यहाँ पे और भी सेटिंग है, यहाँ पे ऑटो फोकस आता है। तो जैसे ये ऑटो फोकस का मतलब ये जो साइड वाला है, ये ऑटो फोकस लिखा हुआ है, यहाँ FO जो मोड है, FO वाला पे आइए, ठीक है। यहाँ पे वन शॉट लिखा हुआ है, थ्री मोड है यहाँ पे, ठीक है, वन टू थ्री, थ्री मोड है। तो थ्री मोड में आपको सबसे अच्छा वन शॉट वाला मोड है, ठीक है, वन शॉट रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सेट कर देते हैं इसको, हो गया। जैसे कि अब ऑटो फोकस जो है, ठीक है, जिधर आप रखेंगे उधर ये जिधर घुमाते जाएंगे ऑटो फोकस में, इसको जिधर घुमाएंगे उधर जाएगा, ऑटो सिलेक्शन हो गया, ठीक है, सब पे। अब एक एक भी चाहिए तो आपको लग सकते हैं, इधर भी चाहिए तो उधर भी, चाहिए तो उधर भी, इधर भी, आपको जो लोकेशन रहेगा उसमें खींचेंगे तो सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। मैंने अभी हम सेंटर पर कर दे रहे हैं, सेंटर पर रहेगा, सबसे मैनुअल है, क्या मैनुअल है, मैनुअल सबसे अच्छा रहता है, इस पर ही सेट किया जाए। जैसे कि अब आपको फोटो को करना है, ठीक, आ गया फोटो मोड में आ गया, ठीक है। अब इससे जो क्लिक क्लिक किया जाता है, इससे आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक, देख रहे हैं एक स्टिक है, ऑटोमेटिक इसको आप करेगा, ये लाके फोकस करके ऑटोमेटिक रख देगा, उसके बाद में शॉट ले लेगा। देख सकते हैं कितना फ्रेश और क्लियर आ रहा है, क्योंकि आपको फोटो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नहीं, इस साइड में देख सकते हैं एक पर्दा लगा हुआ है, इसके भी खींच कर दिखा देंगे हम, ऑटोमेटिक सेट करेगा, हल्लाएगा, है ना, क्लियर, ऐसा ही आपको सब क्लियर आएगा। जैसे कि आपको हम लोग ये लाइव लाइव फोटो खींच कर दिखाए हैं, आपको जो भी खींचना होगा तो सबसे बेटर ये जो फोकस होगा, आंख लगाकर जो खींचता है ना, एक आंख लगाकर खींचता है ना, ये सबसे बेटर होता है। ये तो लाइव आपको दिखाने के लिए, जो वीडियो में दिखाने के लिए हम लोग ऐसे किए हैं, इसमें आप इधर से आप खींचेंगे तो अच्छा रहेगा, सबसे फ्रेश और बेस्ट आता है, क्या मोड पे, ठीक है। वीडियो मोड पे आ गया, देख सकते हैं नाइक वीडियो मोड आ गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट सेटिंग, सबसे पहले आपको ये वीडियो ऑन करने से पहले आपको सबसे पहले मेनू में जाकर थोड़ा सेटिंग मिलाना पड़ेगा, ठीक है। वो सेटिंग मिलाकर तब तो वीडियो लेंगे तो सबसे बेस्ट और क्वालिटी, HD के क्वालिटी सबसे बेस्ट आएगा सबसे पहले। तब इसके बाद मेनू में आते हैं, उसके बाद में इसमें सेटिंग मिलाते हैं, देख सकते हैं सब सेटिंग है ये। तो एक्सपोंसर ऑटो लिखा हुआ है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेनुअल रखेंगे। मेनुअल रखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि आप अपने हिसाब से वो वीडियो अच्छा से बना सकते। ऑटो रखेंगे तो इसमें क्या होता है, वो अपने हिसाब से बनाएगा, ठीक है। तो वो सबसे पहले हम ऑटो सेट कर देते हैं, मैनुअल सेट कर देते हैं। देखिए अब मैनुअल में मैं डाल दिया हूँ, मैनुअल में। अब आते हैं बैक, देख रहा है 50 और 22 दिखा रहा है, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे जो दिखा रहा है इशू वैल्यू दूसरे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से दबा कर इसको चेंज कर सकते हैं,
जितना चाहे उतना रख सकते हैं, ठीक है। जितना रहेगा उतना लाइटिंग रहेगा। सबसे बेस्ट क्या होता है, ऑटो ऑटो रहेगा तो सबसे बेस्ट रहता है। क्या कैमरा चलाने में कि ऑटोमेटिक इफेक्ट फोर्स करेगा तो ऑटो ऑटो मोड पर हो गया है सबसे अच्छा। घुमाकर बता दे रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये, ठीक है। आइए स्टॉप करके देखते हैं, हो गया। इसमें जाइए, ठीक है, प्ले प्ले कर दीजिए, चलेगा। ये चल रहा है आपको सेकेंड समय, देखिए वीडियो भी चल रहा है। आपको कोई भी चीज़ फोकस दिखाई देगा क्या? सेटिंग पे, फिर वीडियो सेटिंग पे एक मेनू में आइए, मेनू में आकर वो फर्स्ट वाला किए थे, अब आते हैं सेकेंड वाला, ठीक है। सेकेंड वाला में जो फर्स्ट वाला जो साइज है इसको हम लोग नॉर्मली रखेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा वाला है, इसे कोई ज़रूरी नहीं है, यही सबसे अच्छा है, बेस्ट है, तो आपको यही रखना चाहिए। तो आपको ये सेट हो गया, ठीक है। नॉर्मल रिकॉर्डिंग है, ऑटो ऑटो मोड में कभी मत रखिएगा, क्योंकि आपको जो साउंड आएगा वो ये अपने हिसाब से ऑटो करके देगा, ठीक है। हम लोग जो मैनुअल रखेंगे तो हम लोग क्या होगा, जो हम लोग मैनुअली आपको अच्छा आएगा, मैनुअली आपको अच्छा आएगा और सबसे बेस्ट होगा क्या। इसीलिए आपको साउंड मैनुअली रखना चाहिए, ऑटो नहीं। जो आपका रिकॉर्डिंग लेवल है, रिकॉर्ड लेवल, तो आपको इसको सेटिंग इतना पर रखना है, कम रखना है, क्योंकि जो साइड का जो नॉइस वॉइस जो आता है ना, नॉइस वॉइस जो आता है, जैसे माइक हो गया, किसी साउंड का हो गया, या कोई हल्ला दंगा चाहे हवा हो गया उसका चलेगा, तो उस पर क्या कैप्चर नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा साउंड आ जाए। ये सब एडिटिंग करने के टाइम में आप इसको बढ़ा सकते हैं, वो जो नॉइस वॉइस जो आता है ना वो नहीं आएगा। तो सबसे अच्छा ये सेटिंग है, इतना पर रखना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद वैन फिल्टर आपको जो ये सेटिंग है इसको आप डिसेबल ही रखें, ठीक है, अच्छा रहेगा ये। तो आपका ये सेटिंग हो चुका है। अब आते हैं मेनू में, फिर सेकेंड में आइए देखते हैं। फोटो मोड में तो सबसे पहले आप जो ये जो मोड है एन वाला, ये सबसे नीचे वाला जो दिखाई देता है ये, इसको दामना पड़ेगा। आप कौन सा पिक्चर आपको चाहिए, ये जो रात वाला नाइट डब्ल्यू बी वाला जो सेटिंग है, ठीक है, आइए देखते हैं। ये एक ऑटो हो गया, ये सूर्य प्रकाश वाला हो गया, ये घर वाला हो गया, बादल वाला हो गया, ये बत्ती वाला हो गया, ये भी लाइटिंग वाला हो गया, ठीक है, और ये फ्लैश वाला हो गया, ये कस्टमाइज हो गया, कस्टम हो गया। तो ये आप जो ओरिजिनल लोकेशन जो होगा उसमें घिस सकते हैं। इसमें सबसे बेटर क्या होता है, ये ऑटो मोड पे रख दीजिए, उसके बाद जैसे जैसे लोकेशन रहेगा उसमें आप सेट करके खींच सकते हैं, सबसे बेस्ट और ऑप्शन है इसमें। ये कैमरा चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, और वीडियो शूट करने में भी सबसे आसान है क्या सेट हो। इस पर आके आपको फ्लैक्स वाला सबसे बेस्ट क्या होता है, फ्लैक्स फ्लैक्स में आप आके इसको प्लस मोड में है हमारा, ठीक है, प्लस में आप माइनस में रखेंगे तो आपको लाइटिंग उतना अच्छा नहीं आएगा, प्लस में रखिएगा पॉजिटिव में तो आपको अच्छा माइलेज, सबसे बेस्ट यही है अभी, ठीक है। तो इसमें सेटिंग सेट कर देते हैं, हो गया, सबसे फोकस करने वाला है यही है। आप देख रहे हैं स्क्रीन में कितना है सेटिंग हो, तो ये इसको देख लिए हम लोग। इस पर लाइटिंग वाला पे आते हैं, लाइटिंग में सबसे बेस्ट यही है, इसी को रखना चाहिए आप लोग, यही रहेगा तो अच्छा रहेगा, मैनुअल है क्योंकि, ठीक है। उसके बाद में आते हैं पिक्चर क्लिक पे, इस पर आएंगे तो ये आपको एक सिंगल शॉट होगा, जितना बार दबाए दबाए रखेंगे इसको उतना भी घिसता जाएगा, ठीक है।
ये सेट कर से 10 सेकेंड में इतना खींचेगा, 5 सेकेंड में इतना खींचेगा, 2 सेकेंड में इतना खींचेगा, आइए जितना सेट करेंगे उतना बार एक बार में खींच सकता है क्या? 10, अब 10 सेट किए तो 10 खींच सकता है, आ नहीं तो हम 2 करेंगे 4 करेंगे तो जितना चाहेंगे उतना सेट कर से खींच सकता है। तो ये हम आपको हमको सेटिंग में रखना है, सिंगल सिंगल शॉट में अच्छा रहेगा। आपका हो गया क्वालिटी, जैसे लार्ज साइज हो गया, मीडियम साइज हो गया, स्मॉल साइज हो गया, तो इसमें सबसे बेस्ट है लार्जेस्ट साइज। लार्ज साइज में आप सेट करके रखें अच्छा रहे, अच्छा है क्योंकि इसमें आपको लार्ज साइज का अच्छा क्वालिटी आता है। जो ये सेटिंग है तो सबसे बेस्ट वाला में क्या है कि आपको ये सेटिंग रखे अच्छा रहेगा, क्योंकि मैक्चुअल मिलेगा आपको, अच्छा से मिलेगा, अच्छा से रहेगा क्या। अब चलते हैं वीडियो मोड पे, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं ये वीडियो मोड पे हम लोग लेकर जा रहे हैं। आ गया ऑटोमेटिक वीडियो, ऑटोमेटिक आ गया। इस मोड को अब फिर क्यू को दबाएंगे तो आपको सब दिखाई देगा, ये सब ऑप्शन इसको सेटिंग फेटिंग दिखाई देगा, सेटिंग दिखाई देगा, तो आपको जो चाहिए उसमें जाकर सेटिंग मिला सकते हैं। आइए हम FA वाला पहले सेटिंग मिलाते हैं, कौन सा चाहिए इसमें हम लोगों को, कौन सा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो सबसे बेस्ट आपको AF लाइव लाइव जैसी जो सब्सक्रिप्शन रहेगा वैसे ही आपको दिखाई देगा। आइए जो AF वाला है, येलो वाला, जो इसको क्या होता है जो आपको जो आप फोकस करेंगे जिस पे तो उस पर थोड़ा लाइटिंग कम बेस कर सकते हैं, ये भी सेम है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें जो थोड़ा देर के ब्लैक करेगा, ब्लैक करने के बाद आपको क्लियरली लाएगा। तो सबसे अच्छा हम कमेंट क्या करेंगे बोल के आपको ये लाइव एफ लाइव में रखें अच्छा रहेगा। ये जो हम लोग है ये पहले देख चुके थे, इसमें रहेगा ये ऑटो में, ठीक है। ये वाला है तो हम लोग फिर स्टैंडर्ड रख दो इसमें। ये साइज बुक वाला साइज में रखें, 19 से 20 25 वाला में रखें अच्छा रहेगा। इसमें छोटा वाला भी साइज भी है तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये वाला इसको ऑफ ही रखें तो अच्छा है क्योंकि इसमें कोई काम नहीं रहता है इसका। ये देखते हैं, अब थोड़ा मेनू को देख लेते हैं। लास्ट टाइम लाइव मूड हो गया, ये सब हम लोग देख चुके हैं। रिमोट कंट्रोल डिसेबल, अब ऑटो सिस्टम इसमें सबसे स्टैंडर्ड रख सकते हैं। अच्छा बीप क्वालिटी वाला आ गया, बीप वाला इनेबल, में सेकेंड ऑटो पावर ऑफ, इसको ऑटो पावर ऑफ नहीं, इसको ऑफ रखें क्योंकि टाइम से
जो शूट करेंगे तो उस टाइम में टाइम की दिक्कत होगा, इसलिए ऑन इसको ऑन रखो, ऑटो टेबल फॉर्मेट फॉर्मेट जैसे वो सही रहना चाहिए। ऑटो रिसेट फाइल को सही रहने दें, फोल्डर सिलेक्ट टू फोल्डर, आप फोल्डर एक बनाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो प्लान पाल ठीक है, इनेबल इंग्लिश, ये सब सेटिंग हम लोग मिला चुके हैं पहले नहीं। इतना ही था जो इसका फुल सेटिंग हो चुका है। और आप लोग ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, थैंक यू, देखते रहे जेडी अमर।